की खबर राजधानी देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चार धाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की है। इसके तहत ही स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चार धाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का जो सवाल है, लगभग अभी 2,08,000 से ज्यादा यात्रियों की हम लोगों ने अभी स्क्रीनिंग कर दी है और पूरे चारधाम रूट में लगभग 12 स्क्रीनिंग सेंटर्स और 50 से भी ज्यादा स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने एस्टैब्लिश की हैं और लगभग 180 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की तैनाती पूरे चारधाम रूट में की है। चारधाम रूट की अगर बात करें तो 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी हमने वहां पर लगाए हुए हैं सभी चारधाम के रूट्स को मिला के, जहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है।